राइट एमजी फैमिली, होप सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजी थ्रॉटल। सो अभी हम हैं अपनी बैका पे और आज हम करने वाले हैं अपनी बाइक का 0 to 100 एक्सेलरेशन टेस्ट। और आप कह सकते हैं मतलब एवरी गियर चैलेंज हम करने वाले हैं, मतलब सभी गियर का हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारी बाइक में लगा है हमारी बाइक में अभी लगा है ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट स्लिप ऑन। तो अराउंड 1.5 BHP के आसपास इसकी पावर बढ़ती है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गंगा प्लांट की तरफ, ये साइड को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं पर गंगा योजना ही कहा जाता है। तो अभी हम इसकी करने वाले हैं 0 to 100 स्पीड टेस्ट करने वाले हैं और अभी जो है सारे स्पेक आपको नीचे लिख के दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं, 3 हॉर्न पे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कैमरा अभी संभाल ले। ये है ना KTM में अच्छा पता नहीं चलता है कि आप कब से कब वो कर लो, मतलब 0 to 100 कब से कब अचीव कर लो तो नहीं पता चलता भाई। मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी दौड़ाने में लगा पड़ा था, मैंने सोचा कि अब होगा अब होगा, नीचे देखो तो कब का हो चुका था। तो अभी जो मेरे पास सेगमेंट है ये ड्यूक 250 है, आराम से भाई आप पहचान सकते हो। अब तो 200 में भी हेडलाइट दे ही रहे हैं 390 वाली अब हेडलाइट दे रहे हैं। पहले 250 में आई ड्यूक की हेडलाइट, उसके बाद अब 200 में भी आने लगी। एक बार फिर से करते हैं हम इसको टेस्ट, तो फिर से करते हैं। गाड़ियाँ ना आपको एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देती हैं भाई, एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देती हैं। और अभी तब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो मैं इसका यूज्ड टू हो चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने भाई को देख लो भाई का, वो भाई साइड में रुका हुआ है बेचारा, वो भी कह रहा है कि गर्मी बहुत हो रही है। तो ये है कि भाई आप इसका ना यूज्ड टू हो जाते हो। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट बात तो वैसा कुछ नहीं है, कार्बन फाइबर इसके ऊपर रैप है, हल्की सी ये फट गई है तो भाई उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी चेंज कर दूंगा। ये देख पा रहे होगे भाई थोड़ा पैर हाथ मतलब पैरों के जब मैं नी गार्ड पहने थे तब लगा था, और ये भी यहाँ से थोड़ा सा वो हो रहा है, उखड़ रहा है। तो वेल गाइज आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे रैप चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये रैप जो है ये मैंने अपने आप ही घर पे ही करा था तो उस वजह से इतना अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाई है, पर फिर भी जो भी बंदा भाई दूर से देख रहा था वो कह रहा है कि हाँ भाई कोई गाड़ी आ रही है। तो ये है 250 cc की बाइक, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, इसके स्पेक्स सारे मैंने नीचे दे ही दिए थे पहले ही। तो इसमें 0 to 100 लगने में आपको मीटर में उसमें भी ऊपर लिख के आ रहा होगा कि कितने टाइम में लग रही होगी। मेरे ख्याल से अंडर 10 सेकेंड तक में तो इसको कम्प्लीट कर लेना चाहिए, है ना, अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाते तो वेल एंड गुड है। क्योंकि KTM की गाड़ी भाई ड्रैग में इनका कोई तोड़ ही नहीं है भाई, इनके सेगमेंट में 390 का देख लो भाई और 250 का देख लो ना। अब मैं इससे नीचे का सेगमेंट जैसे होगा 200 होगा या 125 होगा तो मैं इतना उसमें नहीं कह पाऊँगा कि वो मतलब जब मैंने उसको जितना मैंने चलाया ही नहीं है ना 125 को ना ही मैंने 200 सेगमेंट को चलाया, जितना मैंने चलाया 250 से सब ऊपर के ही सेगमेंट चलाया है। एंड आपको तो पता ही है भाई अगर H2 और ड्यूक 1290 में ड्रैग हो तो 1290 पहले ही लॉन्च हो जाती है क्योंकि उसमें इतना ब्रूटल एक्सेलरेशन है कि भाई कुछ कह ही नहीं सकता। H2 उसके सामने ड्रैग में फेल है,
पर H2 भाई H2 H2 का हम कंपेयर नहीं करेंगे। वेल अभी सुबह का मौसम हो रहा है, होप करता हूँ सिनेमैटिक आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करे होंगे, और अभी सोचता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। वैसे कंटेंट अब धीमे धीमे इम्प्रूव कर ही रहा हूँ मैं, क्योंकि सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोग को नया दूँ। नया देने का तो मैं सोच रहा हूँ, पर क्या दूँ ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अब मैं जो व्लॉग सीरीज़ का बिल्कुल अपना बंद कर चुका हूँ, जो भी है रिव्यूज़ के ऊपर आएगा, बाइक रिव्यू हो गया, कंपैरिजन हो गया, तो इन सब के ऊपर आपको वीडियो आने वाला। आप बताओ, अगर आपको हॉर्नेट 2.0 और ड्यूक के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो वो भी मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग का कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी MG Shorters।